नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर खुलकर कल शिक्षा मंत्री बोले। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छठे चरण की जो प्रक्रिया है, बहाली की प्रक्रिया है, वो अब समाप्त हो जाएगी। 25 फरवरी तक उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद मार्च के महीने में सातवें चरण के अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी यानी एसटीईटी 2019 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी आगे की जो प्रक्रिया है वो अब मार्च के महीने में शुरू हो जाएगी। लेकिन एक शब्द शिक्षा मंत्री ने नहीं बोला है, जो है मेरिट और नॉन मेरिट का चर्चा नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीफोनिक बाइट लेंगे हम। अनिल जी हैं, एसटीईटी मेरिट का पक्ष रखते हैं और लगातार उनके मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो। हाँ अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद शशांक भाई, धन्यवाद। अनिल जी, कल शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया मार्च से शुरू हो जाएगी, छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी और मार्च से सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कितने खुश हैं आप लोग? नहीं, बहुत ये खुशी की बात है जी। ये होना तो चाहिए था अभी से 3 साल पहले, लेकिन खैर 3 साल बाद भी हुआ है तो हम लोगों को इससे बहुत बड़ी खुशी है और हम इसका स्वागत करते हैं। मार्च से प्रारंभ होना चाहिए सातवां चरण और हम लोग बिल्कुल उसके लिए। लेकिन 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 अनिल जी, इसमें इस बात की जिक्र नहीं की गई है कि कौन लोग जाएंगे और कौन लोग नहीं जाएंगे आगे की प्रक्रिया में। वाले जाएंगे भाई, एकदम आपको ये कहां से आप सुन लिए? ये मेरिट वाले ही जाएंगे, ये मेरिट वाले ही जाएंगे। विज्ञापन के अनुसार ही बहाली होगी। सरकार विज्ञापन से हट करके बहाली की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया कर ही नहीं सकती। अच्छा। तो इसीलिए इसमें संदेह है ही नहीं। आप एकदम दिमाग से निकाल ले, ये मेरिट वाले जाएंगे, नॉन मेरिट वाले नहीं जाएंगे। उसमें क्या ऑल क्वालिफाइड लोग नहीं जा सकते हैं? ना, जा ही नहीं सकते ना, वो असंवैधानिक हो जाएगा। अगर वैसा काम सरकार करेगी तो सरकार को कोर्ट से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी कीमत पे नॉन मेरिट वालों को ये 30,675 रिक्ति में जगह नहीं मिलेगा। हाँ, उनको अगर सरकार सीट बढ़ा करके, रिक्ति बढ़ा करके लेना चाहे, हमें दिक्कत नहीं है। सरकार लेना चाहती है ले। सरकार अगर लेना चाहती तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार अभी भी घुमा रही है। ये सिर्फ मेरिट के लिए है, मेरिट के लिए रहेगा जी। तो यानी आप लोग खुश हैं कि मार्च से आप लोगों की आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? हाँ, मार्च से एकदम बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने बोला है ये स्वागत योग्य है और इस बात का स्वागत करूंगा। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी को आपके चैनल के जरिए और सरकार के सभी अधिकारियों को मैं आह्वान करता हूँ कि महोदय, मेरिट का सम्मान किया जाए और मेरिट के लिए आप लोगों ने जो सोचा है ये काबिले तारीफ है और विज्ञापन के अनुसार बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आप लोग अपनी योजना को तैयार करें। तो इसलिए सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराना एकमात्र उद्देश्य नहीं हमारा। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ हो और विज्ञापन के अनुसार प्रारंभ हो, ये हमारा दो मांगे है ना जी। दो मांगे हैं, तो एक मांग नहीं, दो मांग है हमारा। और हम मेरिट वाले ही उसमें जाएंगे बिल्कुल, नॉन मेरिट का कोई जगह नहीं होगा वहाँ। नॉन मेरिट का कोई जगह नहीं होगा? ना, 30,675 में कैसे होगा? मेरिट दो बार लगता है क्या? हमारे लिखा हुआ है ना कागज पर मेरिट, और उनमें लिखा हुआ है कि यू आर नॉट इन द मेरिट लिस्ट। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सरकार को हम पूछेंगे कि आपने लिखा क्या था? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और उन्होंने उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। मेरिट ही जाएंगे, एकदम स्पष्ट हो चुका है। तो अनिल जी, यानी आप लोग खुश हैं मार्च में होली का पुआ हुआ खा के और उसके बाद आगे की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे आप लोग? हाँ, होली के बाद बिल्कुल आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे पूरे मेरिटधारी लोग हम लोग, और देखते हैं कितना दिन लगता है आगे। हमें तो उम्मीद है कि 2 से 3 महीना के बीच में संपन्न हो जाना चाहिए मार्च तक। अब मार्च तक आप लोग पटना की सड़कों पर नहीं आएंगे?
मैं तो कल से आ रहा हूँ पटना के सड़कों पर। मैं रुकने वाला हूँ क्या? पटना की सड़क कभी सुनसान नहीं होने दूंगा, ये बात आप तय कर लीजिएगा। सरकार को जगाते रहना है, जी पटना के लोगों को जगाते रहना है, पत्रकार बंधुओं को जगाते रहना है, और जी बिहार के 12 करोड़ महान जनता को जगाते रहना है। हम लोग जाने वाले नहीं है, विज्ञापन का पालन करा करके ही हम लोग दम लेंगे, उसके अच्छा, पहले रुकने वाले नहीं हम विज्ञापन लोग। का पालन कराकर ही दम लेंगे। जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि आपकी नियुक्ति होगी, फिर भी आप लोग पटना के सड़कों पर आएंगे? हाँ आएंगे, क्योंकि और भी उनको याद कराना पड़ता है ना। देखिए शिक्षा मंत्री जी का विश्वसनीयता अब बचा हुआ नहीं है, वो तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। उनका क्या क्या बोला हुआ है बयान, अगर सारे बयान का आप उनका अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या शिक्षा मंत्री जी होश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं बोलते समय, क्योंकि वो बोल करके वो पलट जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग उनको याद करवाते रहेंगे कि महोदय आपने बोला था मार्च से शुरू करिए मेरिट वालों के लिए। तो ये हम लोग जगाते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है, आंदोलन बंद नहीं होगा और हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन सड़कों पर हमेशा होते रहेगा, नौकरी हमेशा होगी उसके बाद भी। हमेशा 30 के 30 दिन 24x7 आंदोलन जारी रहेगा। और कल से एकदम हम लोग उतरने वाले हैं, ये मकर संक्रांति हो गया, ठंड की वजह से थोड़ा हम लोग घर में थे, और दूसरा थोड़ा कोरोना का प्रकोप भी आ गया था शशांक भाई, लेकिन का प्रकोप अब हम लोग भी करेंगे कोरोना का प्रकोप अभी भी है। सरकार को याद दिलाते रहेंगे कि आपको नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करानी होगी 7वें चरण की, और वो भी अनिल जी बातों को तो सुनिए, उन्होंने तो कह दिया है ना कि मार्च से शुरू हो जाएगी बहाली की प्रक्रिया। अच्छा ये बताइए शशांक भाई, वो पिछला 10 बार फेल कर चुके हैं, तो ये 11वां बार में क्या विश्वास, मतलब शिक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है शिक्षा मंत्री पर? हम इनके बात पे विश्वास कर ही नहीं सकते, हम इनके बात का स्वागत करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। अब है कि हम इनको विश्वास के लिए हम अपना जगाते रहेंगे तब हमारा चैन रहेगा, वरना हम लोग घर में बैठ जाएंगे तो ये भी बैठ जाएंगे ना, तो फिर मार्च में कहेंगे कि जी ये समस्या आ गया जी। अनिल जी तो ये तो वही बात हो गई कि भेड़िया आया, जिस दिन सही में भेड़िया आएगा उस दिन कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अब कैसे विश्वास करें बताइए ना, बताइए कैसे विश्वास करें। वो लिख करके दे दे कि मार्च के बाद अप्रैल के महीना से सबके सैलरी देना शुरू कर दूंगा मैं, 30,675 का, बहाली हो या ना हो। अच्छा हम कैसे नहीं पॉसिबल है आप नहीं, अनिल जी अगर मार्च से आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी तो अप्रैल से आप लोग को कैसे सैलरी दे दिया जाएगा? बहाली की प्रक्रिया करने में हम लोग से मेरिट में ना है, हम लोगों को खाली स्कूल को अलॉट करना है बस। नियोजन इकाई में आप लोग नहीं जाइएगा? नियोजन इकाई में जाएंगे तो कितना देर लगेगा महोदय, 10 दिन भी नहीं लगेगा, सब स्कूल अलॉट हो जाएगा। अच्छा बिहार सरकार है अनिल जी, यहाँ हर चीज बहुत आराम से होता है। देखिए 10-20 दिन के लिए हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10-20 दिन महीना दिन के लिए कोई हड़बड़ाहट है, लेकिन हम इनके बात पे भरोसा नहीं करने वाले हैं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, न्यायालय में संघर्ष जारी रहेगा, सचिवालय में जारी रहेगा, पत्रकार बंधुओं के जरिए जारी रहेगा, संघर्ष मेरा जारी रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। अनिल जी थे एसटीटी अभ्यर्थी, जो हैं मेरिट अभ्यर्थी हैं, लगातार उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम कल से ही उतरेंगे पटना की सड़कों पर। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है लेकिन वो अपने बात पर कायम रहते नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार उन्होंने कहा है कि हम 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू करेंगे, लेकिन अब उनके बातों पर विश्वास नहीं रहा है हमें। हम उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि हम एसटीटी अभ्यर्थी हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार पटना की सड़कों पर बैठे रहते हैं, हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।